जॉन विक चैप्टर 4 का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस मूवी का हाइप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस मूवी के पहले चैप्टर्स देखने के बाद यार ऑडियंस पागल ही हो गया था और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस मूवी के चैप्टर 4 के लिए वेट कर रहे थे, जिनमें से मैं भी एक हूँ। एंड गाइस, इस मूवी के ट्रेलर में जो एक्शन सीन्स मैंने देखे यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी अपने पहले 3 पार्ट्स को भी बीट कर देगी। मतलब यार रेवियस सर का लुक ही इस बार एक अलग ही गूज बम्स दे रहा है। एंड भाई साहब, स्कॉट हेडकिंस, जिन्हें फैंस बोरका के नाम से भी जानते हैं, उनका कैरेक्टर इस मूवी में कैला का होगा, जो मे भी मुझे लग रहा है एक नेगेटिव कैरेक्टर हो सकता है। और ऑब्वियसली गाइस, जियोन सर, जिन्हें हमने इफमैन सीरीज में देखा था, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी में। एंड गाइस, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए मुझे लाजमी बताना। बाकी इस मूवी का रन टाइम 2 आवर्स के आसपास होगी एंड ये मूवी रिलीज होगा 24 मार्च 2023 को, जिसमें अभी 2 महीने बाकी है। एंड गाइस, अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 90 मिलियन US डॉलर्स है। अगर ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को वैसा रिस्पॉन्स मिला जैसा ये डिजर्व करता है, तो ये मूवी में भी 500 से 600 मिलियन डॉलर्स की कलेक्शन कर सकती है। यार इस चैप्टर में कास्टिंग काफी धमाकेदार है, मतलब हॉलीवुड के एक से एक बढ़कर एक्टर्स इस मूवी में देखने को मिलेंगे। वेल, अभी मूवी कैसी है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।